श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह के अस्तीफे की मांग तेज होंगी जा रही है। यह मांग की जा रही है ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस वालों। अज उन्हों वालों श्री अकाल तख्त साहिब जाके अरदास की गई है। उन्होंने वालों मांग पत्र सौंपया गया और उन्होंने वालों मांग रखी जा रही है कि ज्ञानी गुरबचन सिंह जो कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने उन्होंने वालों अस्तीफा दिता जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को कंटेनर राही विदेश भेजने का मामला गरमाउंदा नजर आ रहा है। ज्ञानी गुरबचन सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के प्रधान गुरचरण सिंह बब्बर के नाल होर भी कई सिख संगठन खड़े हो गए हैं। अज इन्हां दोहां वालों अरदास करन तो बाद SGPC नूं खुला पत्र लेके जथेदार नूं हटाउण दी मंग कीती गई। ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सैकड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब कंटेनर दे विच भर के विदेश भेजन दे आदेश दिते ने, हुक्मनामा जारी किया 2009 विच। 2009 तो लैके 2014 तक सैकड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब कई बार कंटेनरां विच किताबां दी तरह कॉपियां दी तरह भर के विदेशों भेजे गए हैं। कंटेनर का मतलब है 2.5-3 महीने रुलना, सड़कों पर रुलना, बंदरगाहों पर रुलना, समुद्री जहाजों पर रुलना। फिर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब कस्टम आफिसर तोलते ने और तोल के वेट लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है। 2.5-3 महीने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वाला बंदा ज्ञानी गुरबचन सिंह, अज असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों विच श्री अकाल तख्त से खड़े होके अरदास की है, हे सचे पातशाह इस पापी बंदे नू श्री अकाल तख्त साहब की जथेदारी तो फौरन हटाया जाए। नवा जथेदार आके और ज्ञानी गुरबचन सिंह नू तनखाइया करार दे और तनखाइया करार देने तो बाद जिस तरह सरदार सुरजीत सिंह बरनाला नू अकाल तख्त साहब के रस्सियां नाल बन के सजा दी गई सी, ए उसी सजा का हकदार है ज्ञानी गुरबचन सिंह।